हेलो दोस्तों, मैं दिलीप बोल रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं ये 32 इंच का एलजी का स्मार्ट एलईडी टीवी है। इसमें देख रहे हैं ये डिस्प्ले में वाइट दिखा रहा है। इसका मॉडल नंबर भी देख रहा हूँ, देख रहे हैं मैं इसको खोल के रखा हूँ। इसका मॉडल नंबर है 32LM576BPTC और इसका भी पावर भी देख रहे हैं, स्मार्ट एलईडी भी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एलजी का स्मार्ट टीवी है इसको मैं ओपन करके रखा हूँ और देख रहे हैं इसका जो पावर सप्लाई देख रहे हैं और इसका मदरबोर्ड भी देख रहे हैं और इसका जो स्क्लर बोर्ड है ये भी देख रहे हैं आप लोग। इसमें देख रहे हैं बहुत सारे गंदा है, देख रहे हैं। तो मैं इसको साफ करके और इसमें स्क्लर बोर्ड में ये इसका जो DC to DC IC है इसमें सप्लाई आउट हो रहा है कि नहीं, मैं चेक करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका जो पैनल VCC सप्लाई है, देखिए यह VDD in है यहाँ पर। इस पॉइंट में मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ मीटर में, ये 13V in हो रहा है और ये सप्लाई इन होने के बाद हम लोग देखिए इस साइड में हम लोग यहाँ पर जो डायोड है इसमें हम लोग का 3.3V मिलेगा। देखिए इसमें 3.3V ये भी सही है और उसके बाद इस साइड में देख रहे हैं ये जो डायोड है यहाँ पर हम लोग का LVDT का सप्लाई मिलेगा। देखिए इसमें 16.84V दिखा रहा है, फिर भी देख रहे हैं यहाँ पर मार्क किया हुआ है ये LVDT का, देख रहे हैं इसमें 16.78V यहाँ मिल रहा है। और उसके बाद जो सप्लाई बनेगा वो है हम लोग का VGH का, यहाँ पर है इसका टेस्ट पॉइंट, देख रहे हैं 30.18V ये भी सही दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग को देखना है VOFF, देख यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस सप्लाई होता है, देख रहे हैं -07.92 ये 7.92V माइनस सप्लाई बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट पॉइंट में देखिए ये VCOM का सप्लाई है 7.50 ये भी सही है। तो इसमें भी देखिए हम लोग का यहाँ पर 3.3V आता है, ये सप्लाई भी सही है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर हम लोग को 1.2V आउट होता है, ये भी सप्लाई सही है। तो ये इसका जो सारे DC to DC IC का सप्लाई होता है ये अभी सभी प्रेजेंट है। तो उसके बाद हम लोग को जो देखना है, हम लोग देख रहे हैं इस साइड में देख रहे हैं बहुत सारे रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस होके हम लोग का गामा का सप्लाई वोल्ट डिवाइडेड होके यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का LVDT का सप्लाई है ये हम लोग का यहाँ पर देखिए ये जो एक PF है इसमें हम लोग का LVDT का सप्लाई आता है मीटर में, देखिए 15.99 यही सप्लाई हम लोग का यहाँ पर एक जो फास्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर आता है 15.99V ये सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद एक एक जो टेस्ट पॉइंट देख रहे हैं V1 V2 V3 करके हम लोग का V18 तक, ये V18 तक हम लोग को सप्लाई धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग को घट घट के यहाँ पर ये सप्लाई कम हो जाता है। तो देखिए मैं इसमें चेक करके आप लोग दिखा रहा हूँ, V1 में आप लोग का सप्लाई कितना है मीटर में, देखिए 15.98 है। V2 में भी देखिए हम लोग का 15.97 है। V3 में भी देखिए 15.92 दिखा रहा है। और देखिए इस सभी टेस्ट पॉइंट में जितना भी टेस्ट पॉइंट है V13 में भी देखिए 15.73V दिखा रहा है और लास्ट जो V18 का टेस्ट पॉइंट है इसमें भी हम लोग का 15.60 15.58 सप्लाई दिखा रहा है।
मतलब हम लोग का यहाँ पर जो सप्लाई इन हो रहा है यही सप्लाई हम लोग का रेजिस्टेंस होके इधर चला रहा है। तो मतलब हम लोग का जो एबिलिटी का सप्लाई है इसमें रेजिस्टेंस एक के बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग को डिवाइडेड हो के हम लोग के इस साइड में सप्लाई घट के हम लोग का यहाँ पर जैसा 0.25 वोल्ट यहाँ पर होता है, लेकिन हम लोग का यहाँ पर हम लोग का मीटर में टेस्ट करने से 15.658 वोल्ट 57 वोल्ट ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो मतलब ये है कि हम लोग का यहाँ से वोल्ट डिवाइडेड होके जो सप्लाई ये जो सभी रेजिस्टेंस से होके हम लोग का घट रहा है, लेकिन इसमें देखना यहाँ पर भी सप्लाई 15 वोल्ट आ रहा है। तो हम लोग का देखना है यहाँ पर जो लास्ट रेजिस्टेंस है, जो लास्ट टेस्ट पॉइंट में मैं चेक करके भी देखा इसमें 15.57 वोल्ट इससे सप्लाई दिखा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस ये जल गई है भाई। तो ये रेजिस्टेंस अगर जल गई है तो इसमें हम लोग का सप्लाई देख रहे हैं रेजिस्टेंस में भी 15.63 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। ये रेजिस्टेंस हम लोग का ग्राउंड के साथ है, देख रहे हैं इस साइड में ग्राउंड है। तो ये रेजिस्टेंस जल गई है, इसके लिए ये सप्लाई इधर से सभी सप्लाई यहाँ सभी टेस्ट पॉइंट में 15.5 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसा शो हो रहा है। तो देखिए मैं इस जो रेजिस्टेंस है इसका जगह में मैं 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा के और चेक करके मैं देख रहा हूँ इसमें अगर ये प्रॉब्लम सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सॉस कप का आईसी में भी शॉर्टिंग हो जाती है तो ये रेजिस्टेंस जल जाती है। तो देखिए मैं इसमें एक रेजिस्टेंस लगा के मैं चेक करके फिर देख लेता हूँ अगर ये जो प्रॉब्लम है ये सही हो रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं उसमें टेस्ट करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस के लगा दिया हूँ, फिर भी जब लाइन देता हूँ तो ये ओवर हीट हो रही। तो इसके लिए मैं यहाँ पर देख रहे हैं ये जो टैग देख रहे हैं मैं इसमें कोई काट नहीं किया हूँ। तो मैं यहाँ पर जो ट्रैक है देख रहे हैं ये ट्रैक को मैं काट करके देख लेता हूँ कौन सा ट्रैक में शॉर्टिंग है। अभी तो देख रहे हैं ये क्लियर दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाने के बाद जब मैं इसमें लाइन देता था तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट हो रही थी। तो ये जो देख रहे हैं इस साइड में देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रैक को काट कर दिया हूँ और दूसरा ट्रैक को भी यहाँ काट कर दिया हूँ और यहाँ पर एक भी काट कर दिया हूँ और इसका जो ये ट्रैक है इसको भी काट कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो SMD का रेजिस्टेंस था जो खराब था जला हुआ था उसको मैं रिमूव कर दिया हूँ देख रहे हैं, और उसका जगह मैं 100 ओम्स का रेजिस्टेंस को लगा के मैं यहाँ पर चेक कर लिया हूँ। और चेक करने के बाद जब मेरा शॉर्टिंग मिला यहाँ पर, तो जब शॉर्टिंग मिला वो शॉर्टिंग इसको हटाने के बाद में यहाँ पर जो 23 ओम्स का रेजिस्टेंस रहती है तो मेरा पास 23 ओम्स का रेजिस्टेंस अभी नहीं मिला। तो देख रहे हैं ये जो बोर्ड है देखिए यहाँ से मैं एक 33 ओम्स का रेजिस्टेंस को मैं निकाल लिया हूँ और यहाँ पर लगा दिया हूँ। और लगाने के बाद में आप लोग को इसमें सप्लाई चेक करके दिखा रहा हूँ मेरा इसमें सप्लाई सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं इस टीवी में लाइन देख के आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये तो देख रहे हैं बैकलाइट ग्लो हो गई है और मैं इसमें सप्लाई चेक करके आप लोग को दिखा रहा हूँ टेस्ट पॉइंट में कितना कितना सप्लाई आ रहा है। इसमें हम लोग का 15 वोल्ट जैसा 15.8 वोल्ट है। उसके बाद देखिए 15.23 13.33 12.64
ऐसा करके के हम लोग को इस साइड में देख रहे हैं भी 17 में देख रहे हैं 2.185 वोल्ट, और ये लास्ट वाला जो है अभी मेरा इसमें 0.723 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन इसमें हम लोग को 0.253 होगा जब इसमें 23 ओम्स का रेजिस्टेंस लगेगा। तो देखिए मैं इसमें ये जो रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया हूँ, और इसका वो काटने का बाद जो दो ट्रैक शॉर्ट था वो दो ट्रैक को छोड़ के जो दूसरा ट्रैक दो को काट किया था वो दोनों ट्रैक को अभी जोड़ दिया हूँ। और उसके बाद देखिए मैं आप लोग को पिक्चर के सारा इमेज इस टीवी को उठा के मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मैं इसमें लाइन देकर दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं ये जो लिखा आ गया है देख रहे हैं ए भी और नो सिग्नल चल रहा है। मैं इस टीवी को फिर सीधा करके वो सिग्नल लगा के आप लोग को दिखा रहा हूँ पिक्चर के सारा। देख रहे हैं इसमें पिक्चर कैसा आ रहा है, इसमें पिक्चर बिल्कुल सही हो गया है, देख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख लिए मैं इस टीवी को कैसे ठीक किया हूँ। अगर आप लोग को मेरा वो जो चैनल डीके इलेक्ट्रॉनिक्स को पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू दोस्तों।